अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद लतीफ गुमान। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, जो हमने अप्लाई किया था अपनी मेंबरशिप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में टेम्परेरी टू परमानेंट, तो उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉरी, मैं लॉगिन कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरी जो मेंबरशिप है अभी ये वैलिड आ रही है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मेरे कामा तरजीज भी हो चुके हैं, सब कुछ मेंबरशिप जो थी वो परमानेंट हो चुकी है टेम्परेरी टू। तो दिखाना ये था कि नॉर्मली ये अगर YouTube से या सोशल मीडिया से देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इसको एक माह मैक्सिमम लगता है, मिनिमम 3 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन मेरे इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूँ, तो यहाँ पे देखिए, तो ये रिक्वेस्ट सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से था। ये देखिए 1/4/2023 2:58 पर मैंने इसको अप्लाई किया था, रिक्वेस्ट प्रोग्रेस आ रही थी, और उसी के बाद सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग की पेमेंट रिक्वेस्ट आ गई थी मुझे 3:02 पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए, ये उन्होंने मुझे बिल इंफॉर्मेशन दी थी। यहाँ पे बिल डिस्क्रिप्शन है, बिल फॉर न्यू मेंबरशिप फॉर 1 ईयर, उसके बाद बिल नंबर है, यहाँ पे उसकी अमाउंट 200 है, और एक्सपायरी और बिल नंबर, ये सब वॉइस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल से। तो अगर उसके बाद देखें यहाँ पे सऊदी काउंसिल ऑफ, मैंने जब उसका बिल पे कर दिया था 2:03 पर, ये सब एक ही टाइम पे आया था, ये उसकी डिटेल है न्यू बिल की पर 1 ईयर। तो खैर, यहाँ पे जो मेन चीज़ देखने की है वो यहाँ पे है, रिन्यूअल एक्सेप्टेड 3:25 पर। तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, इसमें कुछ देखने के लिए खास नहीं है। जैसे मैंने आपको बताना था कि 2:25 पर उसकी जो रिन्यूअल की मैंने सबमिट की थी आधा घंटा पहले, वो एक्सेप्ट हो चुकी थी, और रिन्यूअल अप्रूवल यहाँ पे मेल आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3:25 पर, मतलब टोटल टाइम जो हमें लगा था वो था 2:58 पे हमने स्टार्ट किया था, और 3:25 पे हमारी ये कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब मैक्सिमम हाफ आवर लगा था, ना कि हाफ मंथ। तो ये देखिए, योर रिन्यू रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो यही आपको दिखाना था कि आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। नॉर्मली अगर आप YouTube से देखेंगे, सोशल मीडिया से, तो वो आपको 3 हफ्ते से 1 माह का बोलेंगे, लेकिन अच्छा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम हाफ आवर लगा था, तो 30 मिनट, तो उसी में ये मेंबरशिप जो थी वो मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी परमानेंट। तो नीचे अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंटिंग सर्विस की आ चुकी है, तो उसके बाद ये सब आप लेटर जो हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन लेटर। जैसा कि मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा, आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग चीज़ देख लीजिएगा। ओपन करता हूँ PDF में, तो लीजिए, ये है टेक्नीशियन अहमद लतीफ, मोहम्मद लतीफ, इसी नाम से, ये मेरे नाम से थी। यहाँ पे मिलता है नीचे आइडेंटिटी नंबर लिखा हुआ है, और मेंबरशिप ID लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन जो है स्पेशलाइजेशन वो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, तो उसके बाद मेंबरशिप स्टार्ट डेट यहाँ पे लिखी हुई है, और वैलिडिटी जो है वो 1 साल की है। तो मतलब इंट्रोडक्शन लेटर ये मैंने एक साल के लिए किया था, अगर आप इसको परमानेंट करेंगे तो ये 3 साल से होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए आप इसको प्लस करते जाते हैं 200, तो उसके मतलब 3 साल के लिए कहते हैं तो उसके लिए 600 रियाल लगना था, अभी मैंने 1 साल के लिए किया तो 200 रियाल लग गया। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बता सकूं कि इसमें कोई भी ऐसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 3 हफ्ते लग जाएंगे या 1 माह लग जाएगा। ये अगर आपने डॉक्यूमेंट सही से सबमिट किए हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। तो इसके डॉक्यूमेंट के लिए, इसको सबमिट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, उसके लिए मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर टेम्परेरी टू परमानेंट मेंबरशिप, और अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं वेल एंड गुड, आप सबमिट कर दीजिए। और इसको किस तरह से सबमिट करते हैं उसके लिए ये अलग से वीडियो है, नेक्स्ट वाली, हाउ टू कन्वर्ट सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर टेम्परेरी टू परमानेंट मेंबरशिप इन सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग HCE। तो यही सब, तो उसके अलावा एक यूट्यूबर जो आप रिक्वेस्ट करता है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को लेता हूँ, थैंक फॉर वॉचिंग, ये मानो ज़्यादा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।